आज के इस क्लास में हम लोग होमोग्राफ्स डिस्कस करेंगे। व्हाट इज होमोग्राफ? होमोग्राफ जहाँ पे एक ही वर्ड का दो अलग अलग मीनिंग रहेगा। सिविल सर्विसेज में इस पोर्शन से एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहता है। होमोग्राफ का क्वेश्चन आपका ऑप्शन एक दिया रहेगा, दूसरा को फाइंड आउट करना है। जैसे नंबर वन में है आर्म्स, आर्म्स मतलब वेपन्स, एक वेपन्स हो गया जो आर्म्स होता है, और आर्म्स मतलब पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज बोथ द हैंड्स। तो क्वेश्चन कैसे रहेगा? आर्म्स मीन्स वेपन्स एंड ऑल्सो आर्म्स मीन्स, और उसके बाद चार ऑप्शन रहेगा जिसमें एक रहेगा पार्ट ऑफ द बॉडी या बोथ द हैंड्स। तो इस तरह से क्वेश्चन रहता है सिविल सर्विसेज और दूसरे एग्जाम्स में भी। बॉल मतलब जिस बॉल से हम लोग खेलते हैं, बॉल स्पेयर, और बॉल मतलब डांस, बॉल डांस होता है। एक बैंड, बैंड मीन्स म्यूजिक मेकर, जैसे फॉसिल एक बैंड है, कैक्टस एक बैंड है, जिन लोग गाना तैयार करते हैं या जिनका अपना म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा है उसको बैंड बोलते हैं। और बैंड है स्ट्रेप, जैसे फ्रेंडशिप बैंड हो गया तो इसको बैंड बोलते हैं। बैस, बैस मीन्स लो म्यूजिकल साउंड, कहीं पे आवाज को थोड़ा गंभीर बनाना हो तो बोलते हैं जे बैस को थोड़ा कमा दो या बैस को थोड़ा बढ़ा दो, तो इससे क्या होता है साउंड में चेंजेस आता है। तो बैस मतलब रिलेटेड टू साउंड हो गया, और बैस एक तरह का मछली भी है, बैस मछली। नंबर फाइव में बियर, बियर मतलब भालू, बियर मतलब कैरी करना, कोई चीज को यहां से कहां तक कैरी करना दूसरे जगह तक, उसको बियर बोलते हैं। और बियर मतलब टॉलरेट, सहन करना। नेक्स्ट ब्लफ, ब्लफ मतलब स्टीप एम्बैंकमेंट, स्टीप एम्बैंकमेंट मतलब नदी के किनारे जो किनारा होता है कहीं कहीं पे बहुत ढाल होता है, उसको ब्लफ बोलते हैं। और ब्लफ मतलब किसी को धोखा देना, मूर्ख बनाना, ब्लफ। बॉयल मतलब बबल, बबल मतलब उबालना, अंडा को हम लोग उबालते हैं, बॉयल करते हैं। और बॉयल मतलब हो गया फोड़ा होता है जो, या फुंसी होता है, इसको बॉयल बोलते हैं, फोड़ा। बुक, बुक मतलब पढ़ने का किताब, बुक हो गया। और बुक मतलब बुकिंग, टिकट बुकिंग जो होता है उसको बुक बोलते हैं, बुक करना, टिकट को बुक करना। नेक्स्ट बो मतलब बेंड, झुकना। बो मतलब होता है पार्ट ऑफ द शिप या बोट, जिससे वो पानी को काट करके आगे निकल जाते हैं, नाव में रहता है, नाव का दाढ़ जो रहता है जिससे पानी को काट करके आगे निकल जाता है, उसको बो बोलते हैं। और बो मतलब हो गया जिससे वेपन, वेपन मतलब धनुष, बो मतलब धनुष, जो तीर और धनुष रहता है तो उसको, तीर को एरो बोलते हैं और बो को, धनुष को बो बोलते हैं। बॉक्स मतलब मालूम है, बॉक्स मतलब कंटेनर, टिफिन बॉक्स हो गया, उसको कंटेनर। बॉक्स मतलब हीट, वहां से ही आया है बॉक्सिंग, बॉक्सिंग मतलब हीट। और बॉक्स मतलब सर्व, सर्व मतलब छोटा, छोटा सा कोई जंगल या छोटा सा कोई क्या बोले, छोटा सा कोई जहां पे बहुत सारा पेड़ वगैरह हो उसको शर्प बोलते हैं। ब्रश, ब्रश मतलब टूल जिससे हम लोग ब्रश करते हैं, पेंटिंग ब्रश हो गया या टूथ ब्रश हो गया। ब्रश मतलब आर्गुमेंट भी है, एक दूसरे से तर्क करना, आर्गुमेंट। और ब्रश मतलब विनो, विनो मतलब होता है झाड़ना, जैसे हम लोग गेहूं चावल इसको झाड़ते हैं ना, इसको ब्रश करना बोलते हैं, विनो, विनो मतलब झाड़ना। कैन, कैन मतलब हो गया कंटेनर, जैसे दूध का कैन होता है, कोई सामान ले आने का कैन होता है तो मिल्क कैन होता है, इसको कंटेनर बोलते हैं। कैन मतलब एबल, आई कैन डू दिस वर्क, एबल करना,
क्या मतलब करना कर सकते हैं, जिसको ये मॉडल्स के हिसाब से भी यूज होता है, कैन, कुड, शैल, शुड। तो कैन हो गया आपका एबल, और कैन मतलब टॉयलेट भी है, ठीक है। नंबर 13 में केस, केस मतलब ये भी कंटेनर हो गया, केस जैसे सूट केस हो गया, तो ये कंटेनर हो गया। केस मतलब लॉ सूट, जो कोर्ट में केस किया जाता है, सेम स्पेलिंग है, केस मतलब लॉ सूट। और केस मतलब हो गया कोई इंसिडेंट, वहां पे क्या केस हुआ है जो इतने भीड़ लगा हुआ है, तो केस मतलब क्या इंसिडेंट हुआ है, क्या घटना हुआ है। कोलन, कोलन मतलब मेन पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, हम लोग का जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका लास्ट पार्ट को कोलन बोलते हैं, एकदम एंड पार्ट को कोलन बोलते हैं। और कोलन मतलब पंक्चुएशन मार्क, दो डॉट लगाया जाता है, उसको भी कोलन बोलते हैं। काउंट, काउंट मतलब रॉयल्टी, रॉयल्टी मतलब उच्च वंश, काउंट ऑफ पेम्ब्रोक, उच्च वंश जो जमींदार उनको काउंट बोला जाता है इंग्लैंड में। और काउंट मतलब नंबर, नंबर काउंट करना, उसको भी काउंट बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया डेट, डेट मतलब हो गया खजूर, फ्रूट जो हो गया, डेट ऑन द कैलेंडर जो आज का डेट है, दैट इज डेट। डेट मतलब कॉम्पेनियन, जो साथ में काम करते हैं या साथ में रहते हैं उनको डेट। और डेट मतलब ये सोशल और रोमांटिक अपॉइंटमेंट, अभी लड़का लड़की लोग डेटिंग पे जाता है, तो डेट मतलब हो गया सोशल और रोमांटिक अपॉइंटमेंट। डाउन, डाउन मतलब फेदर, फेदर को डाउन बोलते हैं, जो पंख होता है चिड़िया का पंख या किसी चीज का पंख होता है उसको डाउन बोलते हैं। और जो पंख वाला झाड़ू होता है जिससे कांच का कोई सामान वगैरह झाड़ा जाता है या गाड़ी का, गाड़ी को झाड़ा जाता है, उसका बालू झाड़ा जाता है, तो उसको टफ्ट बोलते हैं, TUFT। वो फेदर का जो झाड़ू होता है उसको टफ्ट बोलते हैं, TUFT, टफ्ट। तो डाउन मतलब फेदर हो गया, डाउन मतलब डायरेक्शन, डाउनवर्ड मोशन, डाउन मतलब डायरेक्शन। और डाउन मतलब हो गया ग्रासलैंड, जैसे सवाना एक ग्रासलैंड है, तो इसको क्या बोलते हैं, डाउन बोलते हैं। डक, डक मतलब बर्ड, डक मतलब बतख हो गया, डक बोलते हैं उसको। डक मतलब अवॉइड करना, किसी को अवॉइड करने को भी डक बोलते हैं। और डक मतलब जीरो रन, कोई प्लेयर डक आउट हो जाता है, मतलब उसने कोई रन नहीं बनाया, जीरो रन पे आउट हो गया। और डक मतलब हो गया डिप्रेस्ड, DEPRESSED, डिप्रेस्ड। यहाँ पे और एक बात बता देता हूँ, जैसे एग्जाम में कैसे आएगा, पहले भी मैंने बताया, वीडियो के शुरू में बताया था कि डक मतलब, जैसे हो गया डक मतलब बर्ड, और एक ऑप्शन रहेगा उसके साथ डक मतलब बर्ड, डक मींस बर्ड एंड ऑल्सो, एंड ऑल्सो में चार ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक रहेगा फॉर जीरो रन। तो हमको पता लगना है कि डक मतलब बर्ड भी होता है और डक मतलब फॉर जीरो रन भी होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, सिविल सर्विसेज में भी आता है, दूसरे एग्जाम बैंक के एग्जाम में भी आता है। फैन, फैन मतलब एडमायरर, ये एडमायरर क्या है, जैसे कोई हीरो का फैन होता है, कोई प्लेयर का फैन होता है, तो हो गया फैन, फैन। और फैन मतलब होता है जो सीलिंग फैन हो गया या टेबल फैन हो गया, इसको भी फैन बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया फास्ट, फास्ट मतलब हो गया क्विक, जल्दी करना, कोई काम को बहुत जल्दी करना उसको बोलते हैं फास्ट, FAST, फास्ट, जल्दी कोई काम को करना उसको फास्ट बोलते हैं। और फास्ट मतलब उपवास रहना, मेरा आज उपवास है तो I am fasting today, ठीक है, फास्ट मतलब उपवास करना। फाइन, फाइन मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी, गुड क्वालिटी, इसको बोलते हैं फाइन, गुड क्वालिटी। कोई भी चीज़ है, ये चीज़ बहुत फाइन है, ये शॉल बहुत फाइन है, या ये राइस बहुत फाइन राइस है, तो इसको क्या बोलते हैं, अच्छा क्वालिटी। और फाइन क्या है, पेमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, कहीं पे कुछ फाइन देना होता है, फीस के लिए लेट से दिया तो लेट फाइन लग जाता है, ट्रेन में भी कुछ टिकट वगैरह नहीं काटा है तो फाइन लगाना पड़ता है, फाइन देना पड़ता है, तो ये हो गया फाइन। फार्म, फार्म मतलब हो गया हार्ड, बहुत सख्त फार्म। और फार्म मतलब हो गया कंपनी, कोई कंपनी वगैरह, मैंने एक फार्म खोला है, तो
तो ये क्या हो गया, एक कंपनी खोला है। और फार्म मतलब बहुत सख्त, हार्ड, ही हैज फर्म डिटर्मिनेशन, उसने बहुत एकदम मन को ठीक कर लिया है कि उसको ये काम करना ही है, तो फर्म डिसीजन। फ्लाई, फ्लाई मतलब हो गया इंसेक्ट, वो मच्छर वगैरह जो रहते हैं उसको फ्लाई बोलते हैं। फ्लाई मतलब मूव थ्रू द एयर, फ्लाई करना, आई एम फ्लाइंग फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, मतलब फ्लाई हो गया, यहाँ से किसी एरोप्लेन में जाने को फ्लाई बोलते हैं। फ्लाई और एक फ्लाई होगा, फ्लैप ऑफ क्लॉथ कवरिंग पैंट जिपर, ये पैंट या जैकेट के जिपर के ऊपर एक कवरिंग रहता है जो हवा को रोकता है। हम लोग जैकेट पहनते हैं, जैकेट का जो बीच में चेन रहता है उसके ऊपर एक फ्लैप टाइप का रहता है जो हवा को रोकता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको भी फ्लाई बोलते हैं। या पैंट के जिपर के ऊपर में जो कवरिंग रहता है उसको भी फ्लाई बोलते हैं। फ्रेश, फ्रेश मतलब हो गया आपका फ्रेश थिंग, जो एकदम फ्रेश है, वेजिटेबल या फ्रेश है मछली मीट वगैरह फ्रेश है, तो इसको फ्रेश बोलते हैं। और फ्रेश क्या है, बोल्ड, बोल्ड मतलब साहसी, इसको फ्रेश बोलते हैं। गम, गम मतलब च्यूइंग ट्रीट, जो हम लोग च्यूइंग गम वगैरह खाते हैं इसको गम बोलते हैं। गम मतलब हो गया माउथ पार्ट, जिसमें हमारा दांत लगा हुआ है इसको गम बोलते हैं, जिसमें हमारा दांत सटा हुआ है उसको भी गम बोलते हैं, GUM गम। और गम मतलब हो गया ग्लू, ग्लू मतलब हो गया जो गम से पेपर वगैरह साटा जाता है उसको भी गम बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा 25 होमोग्राफ क्लास नंबर 1 में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 26 से 50 तक होमोग्राफ डिस्कस करेंगे, उसमें आपका होमोग्राफ टोटल कंप्लीट हो जाएगा।